हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू अनदर ब्लॉग। तो आज फिर जा रहे हैं हम लोग गाना स्टेडियम, और मैं काफ़ी जल्दी में हूँ क्योंकि तो मैं काफ़ी लेट हो गया हूँ। आज हमको सुबह जाना था, 8 बजे भी टाइम हो रहा है, 9 बजने वाले हैं। मेरे पास बहुत सारे कॉल आ चुके हैं, मेरा एक दोस्त बाहर वेट कर रहा है, काफ़ी सारे फ़ोन कर चुका है, बस इसलिए थोड़ा जल्दी जाना है। तो आइए पहले उससे मिलते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। फाइनली गए हम लोग ऑटो पहुंच चुके हैं, पर यहाँ पर भी वाले और भी लेट कर रहे हैं। वैसे भी बहुत सारे कॉल आ चुके हैं हम लोग के पास, कितनी जल्दी आना है। हम लोग काफी लेट कर चुके हैं। हमारे दादा विशाल और एक हमारे दादा शिवम शिवांग, अभी चलते हैं गाना स्टेडियम। वैसे भी काफी लेट हो चुके हैं, मिलते हैं गाना स्टेडियम में। फाइनली गए हम लोग कब तक पहुंच गए हैं, और यहाँ पास हम लोग दोनों दोस्तों के पास कॉल बहुत आ रहा है, ऊपर सीनियर्स का। कहाँ पहुंचे कहाँ पहुंचे पहुंचे तो डीवीडी भी बोल दिए कमता है। अब कम तक पहुंच गए, इतने फोन आ रहे हैं, हम कहाँ बोलेंगे। भाई बड़ा पड़ लेते हैं ऑटो, चलते हैं गाना। वैसे भी ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं। फाइनली गाइस हम पहुंच गए हैं गाना स्टेडियम, आप देख सकते हैं, और काफ़ी लेट हैं हम लोग इस टाइम पे। और हम लोग के पास आई थिंक 15 से 20 कॉल आ चुकी है कि कहाँ हो तुम, कहाँ हो। अभी पहुँचते हैं गाना, आपको दिखाते हैं क्या हो रहा है। ये गाना पहुँच के हमारे सीनियर भैया हमको रिसीव करने आए थे कार से, और फटाफट हमको ले जाके हमारे डिपार्टमेंट छोड़ देते हैं विथ माई एक्रेट। गाइस हम अपने डिपार्टमेंट में वापस आ गए हैं, भैया ने हमको हमारे डिपार्टमेंट छोड़ दिया था ही। अब मेरा मुझे डिवाइस मिल गया है और एक्रेट मिल गया, जिस भी चेंज है एड्रेस शायद ज़्यादा ही साइन मार रही है। और अभी इंटर चालू है नहीं, अभी स्टाफ आया नहीं है, अभी स्टाफ आने में टाइम है। भाई पहले अंदर बैठ के थोड़ी देर इंजॉय करते हैं, फिर मिलते हैं, स्टाफ अंदर आ जाएंगे तो फिर मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए बाय। यहाँ लोग होटल के स्टाफ आ चुके हैं, आपको दिखाता हूँ मैं, और हमारा नाश्ता भी आ चुका है यहाँ। फाइनली गाइस हम लोग का खाना आ चुका है, देख सकते हैं मेरा खाना उतर रहा है यहाँ बस। गाइस आप देख सकते हैं कि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है, और 4 बजने वाले हैं, और यहाँ पास अभी इंटर धीरे धीरे चालू होने वाली है। हमारे किचन नॉर्थ किचन के सारे स्टाफ आ चुके हैं जो कि नो होटल से हैं, और इस बार उन्होंने हमें चाय भी पिलाया है आज। तो मेरा फ़ोन भी इस वक्त चार्ज है, हमने खाना भी खा लिया है। अभी मैच स्टार्ट होने वाला है, फिर हम आपको दिखाते हैं आज का मैच। और आज का मैच है लखनऊ विशेष MI, और इस बार अगर आज अगर मैच MI हारती है तो आज वो IPL टीम से बाहर हो जाएगी। तो आप क्या लगता है आज कौन सी टीम जीतेगी, लखनऊ सुपर जाइंट्स या मुंबई इंडियंस? आइए हम साथ देखते हैं। नोवो होटल के सारे स्टाफ बहुत ही अच्छे होते हैं, और ख़ास करके यहाँ के HOD सर जो कि सभी शेफ़ों के इंचार्ज होते हैं, और ये सब मौज मस्ती करने में भी पीछे नहीं है। यहाँ के सारे स्टाफ और शेफ इक्वली है, कोई किसी को छोटा या बड़ा नहीं मानता है, और यहाँ देखिए एक बराबरी सब गेम खेल रहे होते हैं। तो गाइस मुंबई इंडियंस की टीम आ चुकी है, आप देख सकते हैं वहां पास ये बस है मुंबई इंडियंस की, और काफी सारे उनके साथ और बसेस हैं, लेकिन उनके फैंस ने वहां उनको रोक रखा है। तो धीरे धीरे करके वो स्टेडियम आ जाएंगे, और सारी चीयर सीटर भी आ गई हैं हमारे मुंबई इंडियंस की। अभी मैं वहां गया था उनके रूम में उनका एक्यूरेट को स्कैन करने के लिए, कि वो यही कह रहे हैं कि यार उनके साथ कोई और अलग से भी आ गया है। तो फिलहाल अभी इतना सब कुछ हो गया है, एंट्री भी चालू हो गई है, अभी हम दिखाते हैं आपको कितनी पब्लिक अंदर आई है। अभी अंदर चल के हम आपको स्टेडियम का नज़ारा दिखाएंगे। गाइस आप देख सकते हैं यहाँ स्टेडियम में एंट्री चालू हो चुकी है, और काफ़ी फैन आ चुके हैं, और थोड़ी देर में लखनऊ की और मुंबई की टीम भी ग्राउंड में आ जाती है प्रैक्टिस के लिए। यहाँ वार्म अप कर रहे होते सारे प्लेयर्स, क्योंकि मैच कुछ ही देर में स्टार्ट होने वाला होता है। अब होने वाला है टॉस, और टॉस देखते हैं कौन जीतता है। यहाँ टॉस जीता है KL राहुल ने, और KL राहुल ने पहले बॉलिंग करने का फैसला किया हुआ है। तो आइए चल के बॉलिंग देखते हैं। गाइस अभी नॉर्थ किचन में हमारे पानी की ओवरफ्लो हो गई है, जिसकी वजह से आधे स्टाफ यहाँ पानी निकालने लगे हैं। आइए आपको दिखाते हैं, और अंदर किचन में आके देखते हैं, यहाँ पानी बहुत ज़्यादा आ रहा होता है, क्यों क्या हो गया होता है पता नहीं, क्योंकि ऊपर से पानी बहुत ज़्यादा गिर रहा होता है, आप देख सकते हैं यहाँ से। हे प्रभु हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ, पानी आ गया। और यहाँ दूसरे साइड किचन में खाना रेडी हो रहा होता है, क्योंकि बाहर सारे फैन आ चुके होते हैं, और यहाँ एक साइड पानी निकाला जाता है क्योंकि यहाँ ओवरफ्लो होकर किचन में न भर जाए पानी। और आज लखनऊ अपने सुपर फॉर्म में होती है, यहाँ मुंबई को आज हराने वाली है। अगर आज मुंबई हारती है तो मुंबई आज बाहर हो जाएगी, और यहाँ मुंबई का पहला ही विकेट गिर गया पहले ओवर में, और यहाँ पावर प्ले के अंदर 3 विकेट गिर जाते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट विकेट होते हैं मुंबई के लिए। अब आगे देखते हैं कि आज मुंबई जीत पाएगी या नहीं जीत पाएगी।
आज मुंबई इंडियंस की शुरुआत काफ़ी स्लो थी क्योंकि पावर प्ले में ही 4 विकेट गिर गए थे और अभी इनका 144 रन का टारगेट है। और अब बैटिंग होती है लखनऊ सुपर जायंट्स की और लखनऊ सुपर जायंट्स की शुरुआत काफ़ी अच्छी हुई थी। यहाँ पहले ओवर में 1 विकेट तो हो गया था लेकिन उसके बाद लखनऊ सुपर जायंट ने अपना गेम दिखाना शुरू कर दिया था और यहाँ काफ़ी अच्छा खेल रहे थे लखनऊ सुपर जायंट्स। और अब लखनऊ सुपर जायंट्स को 32 बॉल पर सिर्फ 30 रन की आवश्यकता होती है और यहाँ पूरी तरीके से बाजी पलट चुकी है। लखनऊ सुपर जायंट्स पूरी तरीके से जीतते हुए दिख रही है और अब लखनऊ को जीतने के लिए सिर्फ 7 बॉल पर 4 रन चाहिए होता है और यहाँ लास्ट में 6 मार के जीत लिया जाता है इस मैच को। देख सकते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स की जो पब्लिक है बहुत खुश नजर आ रही है। और जाते जाते अपने सीनियर लोग से मिलते हुए जाने लगते हैं तभी हमको वहाँ दिख जाता है मेरा दोस्त विशाल जो कि खाना खा रहा था रात को 12 बजे। और यहीं हमको एक शर्मीला लड़का भी दिखता है जिसको हम जिम बॉय के नाम से भी जान सकते हैं जिसका नाम धीरज होता है। फाइनली गाइस मैच खत्म हो गया है, अब हम निकल रहे हैं अपने हॉस्टल के लिए और आप देख सकते हैं काफ़ी भीड़ है देख सकते हैं गाइस भीड़ को चीरते हुए हम लोग निकल आए हैं अपने उसी माउंट एवरेस्ट की तरफ। देख सकते हैं आप पहाड़, अब यही माउंट एवरेस्ट चढ़ के हमको अपने मंजिल को पाना है, कमता निकलना है यहाँ से वो भी लिफ्ट लेके, जैसे हम लगातार 4 मैचों से करते आ रहे हैं क्योंकि यहाँ किराया 100 रुपये पर व्यक्ति ले रहे हैं। तो आइए अपनी मंजिल चढ़ाए हैं, अब मंजिल के साथी को ढूंढते हैं। गाइस अभी एक बाइक वाले ने रोका था तो मैंने कॉन्टेंट को बैठा कर भेज दिया है, फिर हम भी लिफ्ट लेके निकल चलते हैं कमता और कमता से अपने साथ बैठा लेते हैं कंटेंट को। फाइनली गाइस लिफ्ट लेते लेते हम तो मटियारी तो आ गए थे, तो मटियारी से अब जाना है हमको बेबीडी और ऐसी जगह रुके हैं जहाँ से हमको ना बाइक मिल रही है ना ऑटो, कार तो मिल रही है पर कार वाले लोग पे कहाँ हैं। तो चल रहे हैं उस पुल के आगे कि शायद ऊपर से जो आ रहा हो वो ले जाके छोड़ दे, तब तक पैदल ही चलते हैं शायद किसी का सहारा मिल जाए। थैंक यू भैया जी, यहाँ से तो ऑटो भी नहीं मिलती बिगड़ी। पहले तो भैया ने सिर्फ एक ही लोग को बोला था चलने के लिए लेकिन बाद में उन्होंने पता नहीं क्या सोच के बोला कि ठीक है दोनों लोग बैठ जाओ। और रात को 12 बजे कोई वैसे लिफ्ट देता नहीं है पर कुछ ही अच्छे लोग होते हैं जो लिफ्ट दे देते हैं और कुछ बुरे लोग भी होते हैं जो बैठा कहीं और भी ले जाते हैं। तो भैया के लिए एक थैंक यू और भैया फटाफट हम लोग को हमारे कॉलेज पहुंचा देते हैं और फिर पहुंच जाते हैं थोड़ी देर बाद हम लोग अपने अपने कॉलेज के सामने। थैंक यू भैया जी, थैंक यू सो मच। अब चलते हैं हम लोग सीधे बीबीडी कॉलेज तरफ, अपने कॉलेज आ ही गए हम फिलहाल तो। आज काफ़ी लेट हो गया आने में क्योंकि हम लोग को बाइक मिली नहीं थी आज और लिफ्ट हमको 2-3 जगह बदल के आनी पड़ी थी, तो फिलहाल हम लोग अपने कॉलेज पहुंच चुके हैं। गाइस हम लोग कैंपस में आ गए हैं और कैंपस से एम्बुलेंस खड़ी है और गर्ल्स में लगता है किसी को प्रॉब्लम हो गई है। निर्मला देवी गर्ल्स हॉस्टल से उनकी वार्डन और जिसकी तबीयत खराब हुई है वो जा रहे हैं। फिलहाल हम लोग अपने कैंपस में आ गए हैं और वार्डन सर गेट खोल ही देंगे और आज का ब्लॉग करते हैं ख़त्म। पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और मिलते हैं नेक्स्ट आईपीएल के वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।